वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. बच्चे, हमने कल लास्ट अपना कंप्लीट कर दिया था टॉपिक. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स. ओके, लास्ट कल हमने स्टॉप किया था फंक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर. हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने उसके फंक्शंस पढ़े थे, एंड वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स एंड व्हाट अबाउट इस डायग्राम के बारे में हमने पढ़ा था. नो दैट हाउ इट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स फीचर्स, हमने वो सब कवर किया था. आज अब हम आगे नेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स. यू नो फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट. इट्स अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. बट टुडे वी विल डिस्कस दैट बिफोर फर्टिलाइजेशन वट काइंड ऑफ ए स्ट्रक्चर फ्लावर हैज एंड वट द इवेंट्स अंडरग्रो. ओके, सो आज हम इस आज जो हम लेक्चर है इसमें हम यही पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स. बिफोर फर्टिलाइजेशन एक्चुअली देर आर न्यूमरस काइंड ऑफ यू नो चेंजेस इन द स्ट्रक्चर. ए नंबर ऑफ हॉर्मोन्स, मेरिस्टमैटिक, एम्ब्रियोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस टेक्स प्लेस इन फ्लावर. ओके, इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग एक्चुअली स्टार्ट्स विद योर शूट एपिकल मेरिस्टम. ओके, योर शूट एपिकल मेरिस्टम ग्रोज. बेसिकली शूट एपिकल मेरिस्टम आप समझते हैं ना, एपिकल मेरिस्टम पे जो शूट का जो एपिकल मेरिस्टम होता है, जो एपिकल एपेक्स पॉइंट होता है, बेसिकली जो जहाँ से आपका जो फ्लावर है, इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ शूट. बेसिकली वहाँ से क्या होगा, शूट एपिकल मेरिस्टम इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द रिप्रोडक्टिव मेरिस्टम. मीन्स जो आपका शूट एपिकल मेरिस्टम है, ओके, अपेक्स ऑफ द शूट मेरिस्टम, वो आपकी रिप्रोडक्टिव यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगी. इट बिकम्स योर रिप्रोडक्टिव साइट और रिप्रोडक्टिव मेरिस्टम. ओके, मेरिस्टम्स आर द वेरी फास्ट डिवाइडिंग सेल्स. देन इट्स ग्रोज टू फ्रॉम द इन्फ्लोरिसेंस एक्सिस. बेसिकली इट ग्रोज टू फ्रॉम द इन्फ्लोरिसेंस एक्सिस ओवर द ओवर विच फ्लोरल प्राइमोर्डिया डेवलप्स. ओके, क्या होगा कि इसमें क्या उसके बाद वो ग्रो करेगी, ताकि इन्फ्लोरिसेंस एक्सिस, यू नो इन्फ्लोरिसेंस ऑफ ए फ्लावर स्ट्रक्चर्स, उस एक्सिस पे क्या होगा, आपकी फ्लोरल प्राइमोर्डिया, जहाँ पे आपको पता है कि शूट एपिकल मेरिस्टम आपकी रिप्रोडक्टिव मेरिस्टम में कन्वर्ट हो गई है, इट गेट्स मॉडिफाइड. देन वहाँ पे एक एक्सिस डेवलप होगी जहाँ पे आपकी फ्लावर, यू नो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, कि यहाँ पे फ्लावर लग सकता है, उस जगह पे क्या होगा, एक फ्लोरल प्राइमोर्डिया. प्राइमोर्डिया मीन्स स्टार्टिंग मास ऑफ सेल. एक फ्लोरल प्राइमोर्डिया डेवलप होगा, ठीक है. उस फ्लोरल प्राइमोर्डिया से क्या होगा, देन वहाँ पे ग्रोथ ऑफ सेल्स होगी और वहाँ पे एक बड बनेगा, फ्लोरल बड बनेगा. फ्लोरल बड बनने के बाद क्या होगा, फ्लावर बनेगा. यू नो बड कैसे एनक्लोज्ड होता है सेपल्स में, सेपल्स आर द बेसिकली बड्स विच कंट्रोल द फ्लावर और जो उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं. देन जब उसकी फ्लावरिंग इनिशिएट होती है, जब उसका टाइम आता है, तब उसके बाद वो फ्लावर बनता है, ठीक है. देन इनिशिएशन ऑफ द फ्लावर टेक्स प्लेस, यू नो इट्स एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इन फ्लावर. फ्लावर्स आर डिफ्रेंशिएटेड इंटू एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. एंड्रोशियम, यू नो कलेक्शन ऑफ स्टेमन्स और वॉल्स ऑफ स्टेमन्स इज नाउन एज एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. और गाइनोशियम क्या होता है, ग्रुप ऑफ यू नो कार्पल्स और पिस्टल्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, अब क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए दैट वॉट इज स्टेमन, वॉट इज एंथर एंड वॉट इज एंड्रोशियम, एंड फीमेल वॉट इज कार्पल. ओके, व्हाट इज गाइनोशियम और व्हाट इज पिस्टल, ये सब आपको क्लियरली पता होना चाहिए. सो फर्स्ट वी विल स्टडी दैट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी क्या चेंजेस आते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या उसके स्ट्रक्चर होते हैं, क्या उसमें चेंजेस आते हैं बेसिकली, और वो कैसे एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है. विल स्टडी अबाउट स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन्स. यू नो पॉलन ग्रेन्स आर द प्रोपेग्यूल्स, reproductive units that is meant for the fertilization process. Male reproductive organs में क्या होता है, उनका stamen mainly, male reproductive जो part लेता है वो आपका stamen होता है. योर stamen is the main reproductive part. Stamen आगे consist होता है आपकी anther से and filament से, ठीक है. Filament जो होती है वो आपकी क्या होती है, filament, यू नो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं filament ये part है जिसने anther को support करके रखा है. इट्स इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बहुत पतला है ये, मतलब वेरी स्मॉल ट्यूब, यू कैन से इट लाइक ए थ्रेड, जो एंथर को होल्ड करती है, उसे प्रोटेक्ट करती है एज अ स्टॉक ऑफ ए एंथर.
ये रोल प्ले करती है. सो एन आंसर क्या है आपका? लोब लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, जो टर्मिनल पार्ट पे होगा, फर्टाइल पार्ट होगा, इसके अंदर आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं. इट इज़ अ लोब स्ट्रक्चर, बाइलोब स्ट्रक्चर. एक्चुअली कुछ केसेस में क्या होता है, लाइक इन मालवेसी फैमिली, आपका जो एंथर है ये सिंगल लोब्ड होता है, जिसे आप मोनोथिकस भी बोलते हैं. वन थिका इज प्रेजेंट. और बाइलोब्ड में क्या होगा आपका? बाइलोब्ड में होगा बाइथिकस, मतलब टू थिके आर प्रेजेंट, या आपके टू चैम्बर्स हैं या लोब्स बने हुए हैं. गॉट इट? ये जो अब आपका एंथर का स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से दिखता है अंदर, इस तरह से सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो कि इस तरह से दिखता है. ये जो एंथर की जो लोब है, बाइलोब्ड है, ये इस तरह से बन जाती है. पोलन ग्रेन्स इस तरह से होते हैं, ये पोलन सैक्स हो जाते हैं, ये लाइन ऑफ डिहाइसेंस होती है जहाँ से मेच्योर पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं. ओके, वी विल स्टडी अबाउट इट. सो क्या होता है कि जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एंथर है, बेसिकली ये एक ब्रॉडर टर्मिनल फर्टाइल पार्ट है स्टेमन का, एंड इसके पैरेलल में क्या होता है, यू नो इट्स पैरेलल देयर एंथर लोब्स. ठीक है, स्लेंडर सिलिंड्रिकल पार्ट है, लाइक दिस सिलिंड्रिकल पार्ट, और ये क्या होते हैं आपके एंथर लोब्स. एंथर लोब्स आर द सिलिंड्रिकल पार्ट्स. क्या होगा, यही एंथर लोब्स जो होंगे, एक डीप सी ग्रूव बन जाएगी, एक बाइफर्केशन बन जाएगी, डिवाइडिंग सी एक स्लिट सी बन जाएगी, जिससे दोनों आपस में डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, दे आर अटैच टू ईच अदर ऑन द बैक ऑफ ए बैंड ऑफ वैस्कुलेटेड सेराइल टिश्यू कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू. इनके बीच में क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू, बैंड ऑफ स्टेराइल वैस्कुलेटेड टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसे आप कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, और उसी के थ्रू ये दोनों अटैच्ड होते हैं आपस में. ये दो लोब्स जो हैं वो अपने आप में अटैच्ड होंगे. ठीक है, वो वैस्कुलेटेड हैं, उसमें वैस्कुलर स्ट्रैंड्स प्रेजेंट हैं आपके इस कनेक्टिव टिश्यू में, जो कनेक्ट करता है. ओके, देन इलोंगेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मेक्स द एंथर लोब्स डाइवर्जेंट. जो इलोंगेशन हो जाती है ना कनेक्टिव टिश्यू की, वो उसको डाइवर्जेंट बना देते हैं, बिखेर देते हैं. ठीक है, स्प्रेड कर देते हैं. देन ईच एंथर लोब, अब आपकी जो एक एक एंथर लोब है ना, वो एक लॉन्ग पैरेलल सिलेंड्रिकल है, यू नो एक लॉन्ग पैरेलल सिलेंड्रिकल यू नो सेल्स हैं, ये शेप हैं, जिसको आप माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं. लाइक दिस, दिस इज़ अ माइक्रोस्पोरेंजिया. ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया है. ओके, वी हैव टू माइक्रोस्पोरेंजिया बेसिकली. एंथर लोब के लॉन्ग पैरेलल सिलेंड्रिकल जो होगी पोर्शन जो होगा, वो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, जिसके अंदर क्या होते हैं, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं आपकी मियोसिस से. ठीक है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स टेक्स प्लेस इन माइक्रोस्पोरेंजिया, और आपके माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, और वो होते हैं मियोसिस प्रोसेस से, विच इज़ ए रिडक्शनल डिवीजन, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर्स, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स इन रिस्पेक्टिव माइक्रोस्पोरेंजिया पार्ट ऑफ एंथर. माइक्रोस्पोरेंजिया ट्रांसफर जब वो मेच्योर हो जाएगा, ये टर्म्स बहुत टेक्निकल हैं कि हमें कब पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर यूज़ करना है, या माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सैक और पोलन चैम्बर यूज़ करना है. माइक्रोस्पोरेंजिया जब डेवलप हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा ना, जब मेच्योर फॉर्म में आ जाएगा, तो वो पोलन सैक बना देते हैं, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं. ओके, आप इनको इंटरचेंजेबली टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं. हर एक जो एंथर लोब है उसके पास क्या है, टू माइक्रोस्पोरेंजिया है. यहाँ पे एक टू लोब स्ट्रक्चर है एंथर का, तो एक लोब के पास क्या होगा, एक माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, और तो एक ईच एंथर लोब हैज़ टू माइक्रोस्पोरेंजिया. ईच एंथर लोब के पास क्या होंगे, टू माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, और यहाँ पे टू आपके पास टू लोब स्ट्रक्चर है, तो अगर एक के पास दो हैं तो दूसरे के पास भी दो होंगे, और दो और दो चार, सो यू हैव द फोर माइक्रोस्पोरेंजिया और टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर. सो देर आर फोर स्पोरेंजिया इन टू एंथर लोब्स. ठीक है, एक एंथर लोब में दो और दूसरी एंथर लोब में भी दो, टोटल ओवरऑल हो गए आपके फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज टेट्रास्पोरेंजिएट. ओके, क्या होगा, ये दे मेक द फोर साइड और द टेट्रागोनल विद वन माइक्रोस्पोरेंजियम बीइंग प्रेजेंट एट ईच पार्टनर. क्या होगा, ये एक तरह से एंथर का फोर साइडेड टेट्राहेड्रल और यू नो फोर साइडेड टेट्रागोनल एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं चारों एंथर की साइड को,
माइक्रोस्पोरेंजिया एक तरह से इसका इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, और हर एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि चार माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, और हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया में एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है. ओके, सो टू माइक्रोस्पोरेंजिया और जो पोलन सैक्स हैं, सैक्स के अंदर ही पोलन ग्रेन्स होते हैं, और वन ऑफ एन एंथर लोब आर सेपरेटली इंटर बाय अ स्टेराइल टिश्यू. हर एक जो माइक्रोस्पोरेंजिया, टू माइक्रोस्पोरेंजिया हैं या पोलन सैक है एक एंथर लोब के, वो कैसे होंगे, यानी कि एक एंथर लोब के पास टू माइक्रोस्पोरेंजिया हैं जो कि आपस में एक स्लिट से डिवाइडेड होंगे, एक बड़ी यू नो एक्सटर्नली शैलो ग्रूव सी होगी या एक स्लिट सी बनेगी स्टेराइल टिश्यू की, तो वैसे उस स्लिट से ही आपस में सेपरेटेड होंगे, डिफ्रेंशिएट हो सकेगा कि ये क्या है, एक तरह से फोर बन रहे हैं, यू नो ऐसे क्लियरली डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, एक स्लिट सी बनेगी, ग्रूव सी बनेगी, शैलो ग्रूव सी बनेगी, जिससे क्लियर होगा, आगे हम स्ट्रक्चर में देखेंगे क्लियरली हमें रिजेंबल होगा कि यस अब क्या हो चुका है, फोर माइक्रोस्पोरेंजिया हैं और हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के पास क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, वहाँ पे लगेगा टेट्राकोनल स्ट्रक्चर, दैट फोर साइड्स लगेंगी वहाँ पे. सो ये होल एंथर जो है वो यू नो एपिडर्मिस द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एवरी प्लांट और एवरी पार्ट ऑफ ए सेल, हर जो कोई भी टिश्यू है या ऑर्गन है या सेल है या पार्ट है उसके बाहर एपिडर्मिस इज द मेन आउटर लेयर, है ना, एपिडर्मिस होती है, और जो आपके पोलन सैक्स या स्पोरेंजिया हैं इफ दे डेवलप हाइपोडर्मली एज फोर स्ट्रिप्स ऑफ आर्किस्पोरियम वन एट ईच कॉर्नर ऑफ एंथर. ओके, जो पोलन सैक्स या माइक्रोस्पोरेंजिया हैं वो क्या करते हैं, हाइपोडर्मली डेवलप हो जाएंगे, हाइपोडर्मल सेल्स बनेंगे उनमें आर्किस्पोरियम की फोर स्ट्रिप्स की तरह, और वो हर एक एक कॉर्नर पे आर्किस्पोरियम की स्ट्रिप्स वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे. गॉट इट? क्या होगा कि सच ए डेवलपमेंट इज नाउन एज यूस्पोरेंजिएट. जब आपकी पोलन सैक्स या माइक्रोस्पोरेंजिया हाइपोडर्मल सेल्स को डेवलप कर दें और वो फोर स्ट्रिप्स बन जाएं आर्किस्पोरियम की, आर्किस्पोरियम सेल्स की फोर स्ट्रिप्स बन जाएं, तो वो क्या बन जाएगा, यूस्पोरेंजिएट. इट इज़ ऑल्सो ए पॉइंट ऑफ डेफिनेशन, आपको हो सकता है एग्जाम में वन मार्क डेफिनेशन पूछ लें, व्हाट इज टेट्रास्पोरेंजिएट, व्हाट इज यूस्पोरेंजिएट. सो सेल्स ऑफ आर्किस्पोरियम, जो आर्किस्पोरियम के सेल्स हैं, फोर स्ट्रिप्स ऑफ आर्किस्पोरियम जो डेवलप हुई हैं उनके जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वन एट ईच कॉर्नर ऑफ एंथर, सच ए डेवलपमेंट इज कॉल्ड यूस्पोरेंजिएट. एंड सेल्स ऑफ आर्किस्पोरियम डिवाइड पेरिक्लिनिकली, पेरिक्लिनिकली डिवाइड करेंगे और सेल्स बनाएंगे, पेरिएटल सेल्स ऑन द आउटर साइड एंड स्पोरोजिनस सेल्स ऑन द इनर साइड. क्या होगा कि पेरिएटल सेल्स जो होंगे वो आपके आउटर साइड पे डेवलप होंगे और जो आपके स्पोरोजिनस सेल्स हैं, ओके, जिनमें आपके स्पोरोजिनस टिश्यू है या मदर स्पोर सेल्स हैं, वो आपके अंदरूनी बन जाएंगे. यानी कि जो आपका आर्किस्पोरियम सेल्स है, आर्किस्पोरियम सेल्स है, यही आपके पेरिएटल सेल्स बनाएगा आउटर साइड में और आपके इनर सेल्स बनाएगा स्पोरोजिनस टिश्यूज में. जो आउटर पेरिटल सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं 2 to 3 टाइम्स, वो मल्टीप्लाई होंगे, डिवीजन होगी, ताकि वो माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल बना सके. यस ना, माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल क्या होगी, माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल वो होगी जो हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया को कवर करे, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, प्रोटेक्ट करे. ओके, सो दिस वॉज द अबाउट योर एंथर एंड डिवीजन. अब हम उसके आगे ये पढ़ेंगे, लाइक दिस इज योर एंथर होल स्टेमन विद एंथर एंड फिलामेंट. होल स्टेमन को हम क्या बोलेंगे, एंथर एंड फिलामेंट. ओके, सी दिस इज योर होल स्ट्रक्चर ऑफ ए टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर. ठीक है, ये आपकी वो हल्की सी स्लिट है जिससे आपको लग रहा है कि चार में डिवाइड हो चुका है. ओके, इसको आप स्टोमियम भी बोलते हैं, इट्स स्लाइट ग्रूव स्टेराइल सेल्स की बनी होगी. ये आपके स्पोरोजिनस सेल्स हैं. ओके, दिस इज योर एपिडर्मिस, ये आपका कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर वैस्कुलर ग्लैंड्स हैं बेसिकली. ये आपका एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, यू नो दिस माइक्रोस्पोरेंजियम, दिस माइक्रोस्पोरेंजियम, दिस फोर माइक्रोस्पोरेंजियम, एंड योर दिस इज योर माइक्रोस्पोरेंजिया. एक एंथरलोब में क्या होंगे, दो माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे. एक एंथरलोब में क्या होगा, दो माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, और क्या होगा वहाँ पे एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होगा, यू नो. सो ये इस तरह से माइक्रोस्पोरेंजिया स्पोरेंजियल वॉल आपकी डेवलप हुई है. अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम का. माइक्रोस्पोरेंजियम एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है बेसिकली,
जो एंथर की किसी एक साइड पे रन करता है, इट अपीयर्स सर्कुलर इन ट्रांसवर्स सेक्शन। दिस वन, ये एक जो है और इसके नीचे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो हमने ऊपर देखा है लाइक दिस, ये एक स्ट्रक्चर विद दिस सिलेंडर, वो एक स्ट्रक्चर होगा पीछे होगा लाइक दिस पोर्शन इज योर माइक्रोस्पोरेंजियम, यू नो सर्कुलर पोर्शन विद सिलेंड्रिकल, एंड इन ट्रांसवर्स सेक्शन इट अपीयर्स एज सर्कुलर। सो क्या है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर, एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो ट्रांसवर्सली आपको सर्कुलर, जब उसके ट्रांसवर्स सेक्शन आप लेंगे तो वो आपको सर्कुलर दिखेगा। सो माइक्रोस्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक आपकी माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल है और एक आपका स्पोरोजेनस टिश्यू है। माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल बेसिकली बहुत सारी कॉमन वॉल से बनी हुई लेयर्स हैं, वॉल लेयर्स की। सबसे पहले तो उनमें से कॉमन है हमारी एपिडर्मिस, यू नो एपिडर्मिस इज द मेन आउटर लेयर दैट कवर्स, यू नो यू कैन सी दिस एपिडर्मिस, एंड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम हैज, और हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के पास क्या है, फोर टाइप्स ऑफ वॉल लेयर्स हैं। ओके, एंड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम हैज फोर टाइप्स ऑफ वॉल लेयर्स, और हर वॉल लेयर्स के क्या क्या हैं, एक है आपकी एपिडर्मिस, एक है आपकी एंडोथीशियम, एंड एक है आपकी मिडल लेयर्स, एंड एक है आपकी टेपेटम। ये आपकी मिडल लेयर्स हैं, ये आपकी टेपेटम है जो स्पोरोजेनस टिश्यू के अराउंड है, देन यू हैव दिस एंडोथीशियम, एंड ये आपकी एपिडर्मिस है। ओके, सो ये आपकी होगी माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल्स, ठीक है। टेपेटम बेसिकली क्या करती है, आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है स्पोरोजेनस टिश्यू की। ओके, बाकी की जो तीन वॉल्स हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर्स, वो आपको क्या करती हैं, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, आपके माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी। बाकी जो टेपेटम है इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स। ओके, ये न्यूट्रिटिव है, यहाँ से जो आपका स्पोरोजेनस टिश्यू है अपना न्यूट्रिशन लेता है। एपिडर्मिस यू नो कॉमन लेयर ऑफ द एंथर, ये कॉमन लेयर है एंथर की, स्मॉल और थिन वॉल्ड है, और जब कभी मैच्योर होता है एंथर तो ये स्ट्रेच्ड हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है। एंडोथीशियम इज बेसिकली हाइपोडर्मल वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, और इस सेल्स, इसमें क्या होगा, जो सेल्स होंगे वो काफ़ी लार्ज होंगे, और वो एक टाइम पे जब आपका ये जो इट्स योर एट द टाइम ऑफ मेच्योरेशन ऑफ योर एंथर, द मेच्योर सेल्स जो होंगे इसके एंडोथीशियम के, वो डेड बन जाते हैं। एंडोथीशियम को हम फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें फाइब्रस थिकनिंग्स प्रेजेंट होती है। ओके, कुछ एंथर्स में क्या होता है कि जो हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं वो शैलो ग्रूव्स बना देते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, एक एंथर की लोब में जो माइक्रोस्पोरेंजी होते हैं उनके बीच में शैलो यू नो लोब स्लिट बनने शुरू हो जाती है ताकि डिवीजन हो जाए, उसे हम स्टोमियम कहेंगे या लाइन ऑफ डिहाइसेंस कहेंगे। यू सी दिस इज स्टोमियम, दिस इज स्टोमियम और लाइन ऑफ डिहाइसेंस, और यहाँ पे भी यू नो लाइन ऑफ डिहाइसेंस, ये स्टोमियम ही बनती है जो लाइन ऑफ डिहाइसेंस बनती है। जब आपका एंथर मैच्योर होता है तो इसी तरह से ही रिलीज होते हैं आपके जो पोलन ग्रेन्स हैं। देन यू हैव मिडल लेयर्स, मिडल लेयर्स देयर आर 1 to 3 लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल में क्या है कि 1 to 3 थिन वॉल्ड सेल्स प्रेजेंट हैं मिडल लेयर्स के। ये जो मिडल लेयर्स होती हैं ये एफीमेरल होती हैं, मीन्स कि दे आर फॉर शॉर्ट टाइम बेसिकली। दे में कंटेन स्टार्च ग्रीन्स, उनके पास स्टार्च ग्रीन्स हो सकते हैं, एंड इवन सम डेवलप सम फाइब्रस थिकनिंग्स, कुछ फाइब्रस थिकनिंग्स भी वो डेवलप कर सकते हैं। टेपेटम जो है वो इनर स्पेशलाइज्ड नरिशिंग लेयर है माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल की, और सेल्स के पास बहुत डेंस साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज सेल्स हैं, मल्टी न्यूक्लिएट हैं एंड पॉलीप्लॉइड हैं, दे अंडरगो थ्रू एंडोमाइटोसिस एंड एंडोपॉलीप्लॉइडी। एंड टेपेटम जो है वो प्रोटेक्टिव है नेचर में, इट्स प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द स्पोरोजेनस टिश्यू। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स लाइक एमीबॉइड, और टेपेटल सेल्स एमीबॉइड फॉर्म में क्या करेंगे, पेरीप्लाज्मोडियम जितने भी टेपेटल सेल्स होंगे इस टाइप में टेपेटल सेल्स फ्यूज होकर पेरीप्लाज्मोडियम बनाएंगे। पेरीप्लाज्मोडियम यूज प्रोटोप्लास्ट फ्लूड स्ट्रक्चर विच गेट्स इन एंथर लोब में जो स्पोरोजेनस टिश्यू है ये वहाँ पर फिल हो जाता है बेसिकली, एंड इट दैट पासिस इन बिटवीन द स्पोर सेल्स, फोर मदर सेल्स के बीच में पास करता है और इन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। एंड वी हैव सेक्रेटरी और ग्लैंडुलर सेल्स, ग्लैंडुलर सेल्स क्या होते हैं, टेपेटल सेल्स जो अपनी पैराइटल पोजीशंस में ही रहेंगे। ओके, टेपेटल सेल्स जब अपने इन सिटू रिमेन इन सिटू इन पैराइटल पोजीशंस, दे सिक्रेट नरिशमेंट, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। टू टाइप्स हैं इसकी,
मीन्स कि एक में क्या होगा, वो फ्लूड, प्रोटोप्लास्ट फ्लूड बनाएंगे स्पोर मदर सेल्स के अंदर, जो पास होगा और नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा और बहुत सारे अदर मटेरियल्स प्रोवाइड करेगा। और एक जो ग्लैंडुलर टाइप होगी, इसमें क्या होगा, पैराइटल सेल्स अपनी पोजीशन में रहेंगे और वो नरिशमेंट देंगे स्पोरोजेनस सेल्स को। ओके, सो ये दोनों टाइप हैं टेपेटम की। अब आगे फंक्शंस हैं टेपेटम के। इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द ग्रोइंग स्पोरोजेनस सेल्स। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पोरोजेनस सेल्स को, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स MMC और पॉलन ग्रेन मदर सेल्स PMC, ठीक है, और जो यंग माइक्रोस्पोर्स डेवलप हो रहे हैं उनको भी। टेपेटम जो है वो एंजाइम रिलीज करती है कैलेस, ताकि कैलोज जो आपकी लेयर्स होती है ना, कैलोज लेयर्स, उनकी डिसोल्यूशन हो सके और माइक्रोस्पोर्स के होते हैं आपस में बाइंड कर सकें। कैलोज लेयर्स जो आपकी होती है ना एंथर में, ये डिवाइड कर देती हैं। ये बहुत सारी टेपेटम बहुत सारी हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, जैसे कि IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। इट बेसिकली प्रोवाइड्स स्टोर इन द ग्रेन्स फॉर देयर अर्ली ग्रोथ। ये क्या नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी जितने भी अर्ली ग्रोथ पॉलन ग्रेन्स की जो अर्ली ग्रोथ होगी, शुरुआती उनकी ग्रोथ के लिए ये अपना मटेरियल प्रोवाइड करेगी। बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं इसमें। ये पॉलन किट प्रोवाइड करती है, ताकि जो भी जितने भी एंटोमोफिलस पॉलन ग्रेन्स हैं, जो यू नो इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, उनके लिए पॉलन ग्रेन्स किट प्रोवाइड करेगी। पॉलन पॉलन कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करेगी प्रोटीन्स के साथ, कि पॉलन ग्रेन्स प्रोटीन के साथ कंपैटिबल इनकम्पैटिबिलिटी प्रोवाइड करती है ये। सो इस तरह से हमारा पॉलन सैक बनता है। फर्स्ट प्राइमोडिया, ग्रोथ ऑफ सेल्स अकर, एंड देन एपिडर्मिस। ये आपकी एपिडर्मिस है, ये आपकी यू नो फोर लेयर्स ऑफ आर्किस्पोरियम सेल्स जो हैं, जो आपके पैराइटल सेल्स बनाते हैं आउटर साइड, एंड स्पोरोजेनस सेल्स बनाएंगे इनर साइड। ओके, ये आपका आर्किस्पोरियम है और ये आपके इनिशियल्स ऑफ हैं वैस्कुलर ग्लैंड्स, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के वैस्कुलर ग्लैंड्स हैं। ये आपके प्राइमरी पैराइटल सेल्स हैं, ये प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स हैं। पहले प्राइमरी पैराइटल सेल्स आ जाते हैं, फिर प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स भी आ जाएंगे। यू कैन सी यहाँ पे पहले पैराइटल आर्किस्पोरियम आया है, उसके बाद आउटर साइड के हैं प्राइमरी पैराइटल सेल्स हैं, शुरुआती पैराइटल सेल्स हैं यू कैन सी। और उसके बाद अब अंदरूनी जो इनर जो साइड में क्या होगा आपका स्पोरोजेनस सेल्स होगा, वहाँ पे क्या आ रहे हैं स्पोरोजेनस सेल्स आ रहे हैं। देन यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, ये आपका एपिडर्मिस है, ये आपके पैराइटल सेल्स हैं। ओके, ये आपका स्पोरोजेनस सेल्स है। अंदरूनी वाले जो हैं, अंदर वाले जो हैं, इनर लेयर जो हैं वो आपके स्पोरोजेनस सेल्स हैं, और आउटर वाले के हैं आपके पैराइटल सेल्स हैं। नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ एंथर विद पॉलन सैक, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम लेयर्स भी आ गई हैं, ये आपकी मिडल लेयर्स हैं, ये आपके टेपेटम है, एंड दिस इज योर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ओके, द सेल्स विच फॉर्म द माइक्रोस्पोर्स MMC। पहला हमने पढ़ लिया यहाँ पे कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, उसमें आया माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल जिसमें बहुत सारी लेयर्स आ चुकी हैं, ठीक है, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम की बहुत सारी लेयर्स आ चुकी हैं। अब हम पढ़ेंगे सेकंड वाला पॉइंट जिसमें है स्पोरोजेनस टिश्यू। बाहर का तो सब पढ़ लिया, अब हम मेनली उसका पढ़ेंगे स्पोरोजेनस टिश्यू के बारे में हम पढ़ते हैं। स्पोरोजेनस टिश्यू में क्या होगा, स्पोरोजेनस टिश्यू वो टिश्यू है जो इंटायर माइक्रोस्पोरेंजिया को फिल कर देता है, ठीक है, वो टिश्यू जो फिल कर देता है। इसमें सब सेल्स एक जैसे होंगे, बराबर होंगे, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्पोरोजेनस सेल्स, और उनको हम स्पोरोजेनस सेल्स कहेंगे। और स्पोरोजेनस सेल्स जो होते हैं वो रेगुलरली रिपीटेडली डिवाइड करते हैं, ताकि वो डिप्लॉयड मदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बना सकें, MMC, और पॉलन ग्रेन मदर सेल्स बना सकें। ओके, लाइक दिस यू कैन सी, इस तरह से, अगर वो टेट्राड की शेप में है तो इस तरह बनेगा, आइसोबाइलेटरल की शेप में है तो इस तरह से बनेगा। दिस इज़ योर माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड दिस टाइप ऑफ डिविजन्स अकर। ओके, सो क्या होगा, दे विल फॉर्म माइक्रोस्पोरियन सेल डिवाइड करेंगे और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएंगे, जिसको आप MMC और PMC भी बोल सकते हैं, पॉलन ग्रेन मदर सेल्स। वो प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्टेड होंगे, और प्लाज्मोडेस्माटा जो बाद में टूट जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कैलोस लेयर्स, यू नो कैलोस लेयर्स आर डिवाइडिंग सेल्स विच डिवाइड द लेयर्स फॉर्मेशन,
लेयर्स इनर टू द सेल वॉल, फॉर्मेशन हो जाएगी सेल वॉल के अंदरूनी कैलोस लेयर्स डेवलप हो जाएंगी एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगी. ओके, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होगा क्या होगा, वो आपस में सेपरेट होना शुरू हो जाएगा. अब है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन भी बन सकती है, आपसे पूछ भी सकते हैं. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होगा, जो सेपरेटेड मदर सेल्स होंगे वो अंडरगो करेंगे मियोसिस. बेसिकली मियोसिस होगी और वहाँ पे फोर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनेंगे. ठीक है, यही वो फिनोमिनन है. दिस इज़ द फिनोमिनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फोर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स. माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होंगे फ्रॉम ए माइक्रोस्पोर और पोलन मदर सेल, MMC और PMC थ्रू मियोसिस. मियोसिस होगी, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल से. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल. ठीक है, सेवरल थाउजेंड्स माइक्रोस्पोर्स, बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स डेवेल्प होते हैं ईच माइक्रोस्पोरेंजियम. ठीक है, बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स और यू कैन से दैट पोलन ग्रेन्स डेवेल्प होंगे एक माइक्रोस्पोरेंजियम में और उनकी शेप अलग अलग हो सकती है. दे मे बी आइसोबायलेटरल, दे मे बी टेट्राहेड्रल, लीनियर, टी शेप्ड, टेक्यूसेट, यू कैन सी देयर शेप. ये टेट्राहेड्रल शेप है. ओके, टेट्राहेड्रल, ये आइसोबायलेटरल शेप है, ये टेक्यूसेट शेप है, ये टी शेप्ड है, ये लीनियर शेप्ड है. ओके, जस्ट बिकॉज मुझे अगर नहीं पता है कि मैंने कौन से प्लांट का पोलन ग्रेन लिया है, अगर मैं उसकी स्टडी करती हूँ एंड आई फाउंड इन द माइक्रोस्कोप दैट इट रिजेंबल्स द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राहेड्रल, तो मुझे पता है कि डाइकॉट्स में जो डाइकॉटिलेडन प्लांट्स हैं उनमें जो पोलन ग्रेन होता है उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है. सो मुझे पता चल सकता है पोलन ग्रेन स्टडी से. पोलन ग्रेन स्टडी को हम पेलियोनोलॉजी बोलते हैं. इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड एक्चुअली. ये बहुत अच्छी फील्ड है जिससे हम यू नो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी. क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमी का ये सिस्टम है कि हम हर एक फ्लावर पार्ट से यू नो टैक्सोनॉमिक कीज विच स्टैंड्स फॉर हम पता कर सकते हैं कि ये प्लांट किस फैमिली को किस टाइप को बिलोंग करता है. सो पोलन ग्रेन की इस स्टडी से हम पता लगा सकते हैं कि वो किस फैमिली को किस डिवीजन को या किस फाइला को बिलोंग करता है. सो अगर मेरे पास टेट्राहेड्रल शेप आती है देन आई कैन से डैट इट बिलोंग्स टू डाइकॉट फैमिली. क्योंकि डाइकॉट्स में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो टेट्राहेड्रल शेप में होते हैं. मोनोकॉट्स में अगर होगा तो मोनोकॉट्स में यू कैन सी इट्स आइसोबायलेटरल, दिस शेप आइसोबायलेटरल. ओके, सो ये इसकी शेप्स आ गई. सो देन जो हमारे माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स बने हैं, एक्चुअली वहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो चुकी है, माइक्रोस्पोर्स बन चुके हैं, तो हम उन्हें पोलन ग्रेन्स भी बोल सकते हैं. इससे पहले हम उन्हें पोलन ग्रेन्स नहीं बोल सकते क्योंकि वो अभी नहीं बने हैं. ओके, जनरली वी डोंट यूज इट परफेक्ट बायोलॉजिकल टर्म में, हम उन्हें पहले माइक्रोस्पोर्स ही बोलते हैं. तो क्या होगा, पोलन ग्रेन्स डेवलप हो जाएंगे इन ईच माइक्रोस्पोरेंजियम में, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स डेवलप. एंड देन क्या होगा, एज अ एंथर मेच्योर्स, जब एंथर मेच्योर होना शुरू हो जाएगा, डिहाइड्रेट, उसका सारा मॉइस्चर रिलीज हो चुका होगा, तो क्या होगा, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो उसकी वॉल डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगी. ओके, डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या होगा, माइक्रोस्पोर जो सेपरेट हो जाएगा एंड पोलन ग्रेन्स में बन जाएगा. ठीक है, माइक्रोस्पोर्स जो होंगे वो आपस में सेपरेट हो जाएंगे, मदर स्पोर मदर सेल डिसइंटीग्रेट होगा, माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाएंगे और पोलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाएंगे. कुछ केसेस में क्या होता है, वो बिखरते नहीं हैं, सेपरेट नहीं होते, वो जॉइंट रहते हैं, जिन्हें हम कंपाउंड पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं. वो टाइफा, जिंकस, क्रिप्टोस्टीगिया प्लांट्स में देखे गए हैं. ठीक है, वो यूनाइटेड रहेंगे टेट्राड्स के फॉर्म में, दे डू नॉट सेपरेट. और कुछ केस में क्या होता है, जैसे कि ऑर्किड्स हैं, मिल्कवीड्स हैं, इसमें सभी के सभी ऑल द पोलन ग्रेन्स ऑफ एन एंथर लोब रिमेन यूनाइटेड इन ए सैक. वो सैक में जो पोलन सैक है उसमें सब एक जैसे इकट्ठे हो जाएंगे, जिसे हम पोलिनियम भी कहते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है आपको एग्ज़ाम में पूछ लें व्हाट डू यू मीन बाय पोलिनियम, या किन प्लांट्स में ये देखा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय पोलन ग्रे कंपाउंड पोलन ग्रेन्स, नेम द प्लांट्स इन विच कंपाउंड पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड. ओके, सो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है.
नाउ सी कि जो माइक्रोस्को माइक्रोस्पोर है या पॉलन ग्रेन है, एक उस पॉलन ग्रेन का ये स्ट्रक्चर होता है. यू कैन सी दैट इट इज इन शेप ऑफ आइसोबाइलेटरल, टेट्राड की शेप में है ये बेसिकली. ये इस तरह से फॉर्म होके जब माइक्रोस्को माइक्रोस्पोर कैसे, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है और जो ये पॉलन ग्रेन में, माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन में यही फ़र्क है कि माइक्रोस्पोर इस तरह से शेप में होगा और जब वो पॉलन ग्रेन बन जाएगा तो वो इस तरह से होगा. ओके, फर्स्ट यू हैव दिस टेट्राड, देन वैक्यूल्स फॉर्म होंगे, न्यूक्लियस बनेगा, एसिमेट्रिकल स्पिंडल्स फॉर्म होंगे, स्पिंडल्स एंड माइटोसिस अक्कर होगी, देन वहाँ पे एक वेजिटेटिव सेल बनेगा और एक जनरेटिव सेल बनेगा. ठीक है, दिस होल इज वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है जनरेटिव सेल से. दिस इज़ योर वेजिटेटिव सेल एंड दिस इज़ योर जनरेटिव सेल. इन दोनों का अपना अपना रोल है. मिल्कवीड्स में क्या होता है, दो एडजेसेंट जो पॉलिनिया होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं एक स्टिकी सेंटर से, जिसे आप कॉर्पस्क्यूलम भी कहते हैं, एक स्मॉल सी स्टॉक से जिसे आप कॉडिकल्स कहते हैं, कॉडिकल्स. ठीक है, मतलब कॉडिकल वो स्टॉक है जिससे जो आपका स्टिकी सेंटर है कॉर्पस्क्यूलर कॉर्पस्क्यूलम, पॉलिनिया जो होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं उससे. ठीक है, तो उस होल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर कहते हैं. इट इज़ ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा बाय इंसेक्ट. वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टिग्मा तक कैसे पहुंचाया जाता है, इंसेक्ट उसको ट्रांसफर करते हैं. ओके, ये आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट आर कॉडिकल्स और ट्रांसलेटर, या ऐसे पूछ सकते हैं कि मिल्क वीड्स में क्या किस तरह से होगा. सो दिस यू कैन सी मैच्योर एंथेरिया, यहाँ पे वॉल सारी मिडल लेयर्स वगैरह सब हो चुकी हैं और ये जो आपकी कनेक्टिव योर कनेक्टिव टिश्यू, ये आपका एपिडर्मिस और एंडोथीशियम ही बचे हैं और आपके पॉलन ग्रेन्स बिखर चुके हैं. ये आपकी स्लिट लाइन ऑफ डिहाइसेंस, ये कैविटी में बिखर चुके हैं. नो, डिहाइसेंस के टाइम पे क्या होगा, मेच्योर एंथर ड्राई हो जाएगा और स्टेराइल टिश्यू बिटवीन द टू पॉलन सैक्स ऑफ ईच एंथर लोब डिसइंटीग्रेट. जो भी स्टेराइल टिश्यू हैं दोनों पॉलन सैक्स के बीच में, एंथर लोब के पॉलन सैक्स के बीच में, वो डिसइंटीग्रेट होने शुरू हो जाएंगे और एक कैविटी बनना शुरू हो जाएगी पॉलन ग्रेन्स में. जितने भी एंथर जो हैं, ऑल द एंथर्स, जितने भी एंथर्स हैं, एंथर मेच्योर हो जाएगा एंड हैव टू पॉलन फील्ड कैविटीज. उनके पास दो पॉलन फील्ड कैविटीज़ होंगी हर एक एंथर लोब में, लाइक दिस. ये एक एंथर लोब है, इसमें टू, ये एक एंथर लोब है, इसमें टू कैविटीज़ बन चुकी हैं एक तरह से. देन कवरिंग ऑफ ईच कैविटी नाउ कंसिस्ट ऑफ एंडोथीशियम एंड एपिडर्मिस. सिर्फ वहाँ पे एपिडर्मिस और एंडोथीशियम ही होगी. यू कैन सी एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम. ओके, वहाँ पे सिर्फ एपिडर्मिस और एंडोथीशियम ही होगी और जो डेड एंडोथीशियल सेल्स हैं वो कंट्रैक्ट कर जाएंगे रीजन में उनके आउटर थिन वॉल्स में और नियरली वो क्या बन जाएंगे, कनकेव बन जाएंगे. यू कैन सी कनकेव फॉर्म. एंडोथीशियम शॉर्टन्स एंड रप्चर्ड, जब वो शॉर्ट हो जाएगी और रप्चर्ड करेगी थिन वॉल सेल्स ऑफ रप्चर्ड कर देगी स्टोमियम के थिन वॉल सेल्स को, यू नो इट बिकम्स स्टोमियम. आपके यहाँ पे था ना, ये टूट चुका है अब जो स्लिट थी डिहाइसेंस की. देन उसके बाद क्या है, इट प्रोड्यूसेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स. दो लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स बनेंगी और जो पॉलन ग्रेन्स को एक्सपोज कर देंगी पॉलिनेशन के लिए. कुछ केसेस में एंडोथीशियम डज नॉट बिकम्स फाइब्रस, वो फाइब्रस नहीं बनता, तो वहाँ पे जो डिहाइसेंस होती है वो जस्ट लोकल डिसइंटीग्रेशन होती है वॉल की, जस्ट वॉल टूटती है और एपिकल स्लिट्स बन जाएंगे और देन वाल्व्स बन जाएंगे, अलग अलग चैम्बर्स बन जाएंगे और उसके बाद वहाँ पर पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे. अब यहाँ पे ये है पॉलन ग्रेन के बारे में, ये हम मेल गैमेटोफाइट के बाद पढ़ेंगे. ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल एक्साइन है, इंटरनल इंटाइन है एंड दिस इज साइटोप्लाज्म. ये आपका जर्म पोर है, ये आपका जनरेटिव सेल है ना, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म एंड दिस इज योर ट्यूब सेल. अब आते हैं हमारे टॉपिक में मेल गैमेटोफाइट. मेल गैमेटोफाइट इज बेसिकली प्रीशियस, यू नो इट इज बिगिंस देयर फॉर द पॉलन ग्रेन्स इज शेड फ्रॉम द पॉलन सैक्स. ये तब से ही शुरू हो जाता है जब तक पॉलन ग्रेन्स अभी अपने पॉलन सैक्स से शेड नहीं हुए. ठीक है,
पोलन ग्रेन का शेडिंग से पहले ही ये मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट शुरू होती है ताकि पूरा कंप्लीट हो जाए। एट द टाइम ऑफ शेडिंग फॉर पॉलिनेशन, जब पॉलिनेशन का टाइम आ जाता है तो जो पोलन ग्रेन होते हैं वो एक मेल गैमेटोफाइट तो होते हैं बट दे आर एन ऑलरेडी इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। वो इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट होते हैं जिनकी अभी डेवलपमेंट होगी और वो कंप्लीट मेल गैमेटोफाइट बनेंगे। और इसमें दो स्टेप्स में ये प्रोसेस होता है, प्री पॉलिनेशन एंड पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये आपका ट्यूब और वेजिटेटिव सेल है और ये आपका जेनरेटिव सेल है। प्री पॉलिनेशन में क्या होगा, जो न्यूली डिफरेंशिएटेड पोलन ग्रेन्स होंगे वो न्यूक्लियस न्यूक्लियस इज सेंट्रल, न्यूक्लियस बीच में होता है एंड द साइटोप्लाज्म इज डेंस। जो साइटोप्लाज्म है आपका वो डेंस होता है। ओके सो इसमें क्या होगा कि जो आपके न्यूली डिफरेंशिएटेड पोलन ग्रेन्स हैं वो न्यूक्लियस उनका सेंटर होगा, सेंटर में होगा और साइटोप्लाज्म डेंस होगा। साइटोप्लाज्म जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडेड होगा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस भी होगा और साइटोप्लाज्म भी होगा कंप्लीट। सो वो वॉल के साथ ही होगा जो